उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। मुझे नहीं पता था उस पे कुछ इस तरह का लिखा है। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। डिजाइन समझ के लिया है, सोच भी नहीं सकते मुसलमानों के कि हम गुस्ताखी करेंगे। आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। साढ़े इस्लाम का मजाक है। एक साल से हम लोग इधर डीएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने तीन पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयदा शर्बानो नकवी है, मैं एसपी गुलबर्ग हूँ। मेरे साथ खड़े हुए एसएचओ इशरा बिलाल। आज जिस वाक्य का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो इतना है कि एक खातून अपने शोहर के साथ इशरा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें, और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई। उस चीज को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज सामने आती है, जो हकायक सामने आते हैं, उनके मुतालिक आपको नदीम भी बताएंगे जो मौके पे उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पे मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब ये वकूआ पेश आया, और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगी कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी, उसके मुतालिक भी बात करेंगी। जी, ये बेटी से बात हुई थी मेरी और इससे वो गलती हुई है, लेकिन वो लफाज ठीक थे। वैसे डिजाइनिंग उसकी बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइस बन रहा है, तो ये बहन आई, उन्होंने कहा आइंदा के बाद ऐसा लिबास नहीं पहनेंगे, तो ये नियम माफ कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। मैं इशरा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिजाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पे कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी। और ये जो भी हुआ ला इल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज बिल्ला, हम सोच भी नहीं सकते मुसलमानों के हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहल सुन्नत से बिलोंग करती हूँ और मेरे ससुर हाफिज़े कुरान है, मैं खुद हम लोग दीनी तो घराने से हमारा ताल्लुक है, और मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी। और मैंने ये जो भी हुआ ये लाइमी से हुआ, लेकिन मैं फिर भी माजरत करती हूँ और आइंदा से